गुरु गीता का गायन शिष्यों के अंतर मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सदगुरु समर्पण के स्वर फूटते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करने की उमंग जगती है। अंतर चेतना में सदगुरु की चेतना झलकने और छलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यही मत है, साधनाएं अनेक हैं, मत और पंथ भी अनगिनत है, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है, अपने गुरुदेव का नाम। उनका एक ही कर्म है, अपने गुरुदेव की सेवा। उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे नाते रिश्ते सभी संबंध गुरुदेव में ही है। उनके सिवा त्रिभुवन में न कोई सत्य है और न कोई तथ्य है। उपर्युक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ के इन वचनों को हमने पढ़ा है कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन। अरे, गुरुदेव की चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रकाशित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भी शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा कीर्तन भी शिव कीर्तन के बराबर है। सदगुरु का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। गुरु भक्ति की साधना महिमा के अगले क्रम को स्पष्ट करते हुए भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, यत पाद रेणुकणिका कापि संसार वारिधे सेतु बंधयते नाथम देशिकम तमुपास्य महे तस्मादनुग्रह लब्ध्वा महद ज्ञान मुत्सृजत तस्मै श्री देशी केंद्राया नमश्चाभिष्ट सिद्धये। गुरुदेव की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियां समाई है। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव ये वचन कहते हैं, गुरुदेव की शरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति है, जिनके सहारे इस महासागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूंगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य में रखना चाहिए, जिनके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञान का नाश होता है। वे गुरुदेव सभी अभिष्ट की सिद्धि देने वाले हैं, उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में प्रत्येक काल में प्रकट होते रहे। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने अस्तित्व में फलित होते हुए देखा है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य था। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स स्वामी जी के भक्त थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ट तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महानुभावों के बीच ये लक्ष्मण मल्लाह भी था, जो न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरुदेव के प्रति विह्वल रहता था। भारत भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी के चरण धूलि लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत का ताजमहल अवश्य एक विस्मयजनक वस्तु है, जिनका महनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है।
किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवन वस्तु के साथ उनकी क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के योग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। प्राय सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु का नाम जप, यही उसके लिए सब कुछ था। श्रद्धा से विभोर होकर उसने स्वामी भास्करानंद की चरण धूलि इकट्ठा कर एक डिबिया में रख ली। स्वामी जी के खड़ाव उनकी पूजा वेदी में थे। उनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना और गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता नहीं था। कठिन आसन प्राणायाम की प्रक्रियाएं उसे नहीं मालूम थी। मुद्राओं एवं बंध के बारे में भी उसे बिल्कुल पता नहीं था। किसी मंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। अपने गुरुदेव का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वह जाप करता, यदा कदा इसी नाम धुन का वह कीर्तन भी करने लगता। एक दिन प्रातः जब रोज की भांति गुरुदेव की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यजनक एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों भवों के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघनता से उभर रहा है। यूं तो यह प्रकाश पहले भी कभी कभी झलका था, यदा कदा संपूर्ण साधना विधि भी यह प्रकाश बना देता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज्यादा तो तब हुआ जब उसने देखा कि गोल आकार के श्वेत प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोटक सा हो गया और उसमें श्वेत कमल की दो पंखुड़ियां खुल गई। गुरु नाम की धुन में साथ ही ये दोनों श्वेत पंखुड़ियां खुल गई और उसके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानमग्न बैठे हुए दिखाई पड़े। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को ये सब अचरज भरा लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भावों के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सदा सदा आपको ही देखते रहना चाहता हूं। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूलि को अपने भौं में लगाता आया। यही जो कुछ भी है आपकी चरण धूलि का चमत्कार है। अब तो ये नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूलि से शिष्य आसानी से भव सागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की अनुभूति हम सब गुरु भक्तों की अनुभूति भी बन सकती है। बस इतना ही सघन प्रेम एवं उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव करने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। गुरु गीता के प्रत्येक महामंत्र में अपरिमित आध्यात्मिक ऊर्जा समाई है। वे धन्य है, अति बड़भागी है जो लोग इनका गायन करते हैं। जिनका मन इन महामंत्रों की साधना करने में अनुरक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे अपूर्व साधकों को सहज ही सदगुरु प्रेम की उपलब्धि होगी और यह सदगुरु प्रेम अध्यात्म जगत का परम दुर्लभ तत्व है। जिसके हृदय में निष्कपट सदगुरु प्रेम है उसे सब कुछ अपने आप ही दुर्लभ हो जाता है। उसे किसी भी अन्य साधन एवं साधना की आवश्यकता नहीं रहती। समस्त साधनाओं के सुफल स्वयं ही उसकी अंतर चेतना में आबिराजते हैं। सदगुरु ही आध्यात्मिक जीवन का सार निष्कर्ष है। यही साधना है, वही परम सिद्धि है और उन्हीं की कृपा से उनके मार्गदर्शन में साधकगण अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाते हैं। तभी तो कहा गया है,
साधन सिद्धि गुरुवर पद ने हो। गुरुनेह की भाव कथा में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति है, जिसके सहारे इस महासागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश होता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभिसिद्धि देने वाले हैं, उन्हें नमन करना शिष्यों का परम धर्म है। थोड़ा सा भी पालन संसार के महान भय से त्राण दिलाने वाला है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से स्वयं ही शांत हो जाती है। गुरु प्रेम के साधना महिमा के अगले क्रम को प्रकट करते हुए देवाधिदेव महादेव जगन्नाथ जगन माता भवानी से कहते हैं, पादाब्जम सर्व संसार दावानल निराशकम ब्रह्मरंजे सितांभोज मध्यस्थम चंद्रमंडले अकथादित्रि खाब्जे सहस्रदल मंडले हंस पाश्चर त्रिकोणे च स्मरेत मध्यंगम गुरु। गुरुदेव की करुणा की व्याख्या करने वाले इन महामंत्रों में साधना के गहरे रहस्य संजोए हैं। इन रहस्यों को गुरु भक्त साधकों के अंतःकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ ये वचन कहते हैं, गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावा नलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सदगुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। ये ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच सहस्रदल मंडल पर अकथ आदि तीन रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। सदगुरु के ध्यान की सर्वोच्च विधि है। ये ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करने वाला है। अत्यंत प्रभावशाली एवं परम गोपनीय अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट कराने वाला ध्यान की इस रहस्यमय विधि का प्रयोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य दुर्गाचरण नाग ने किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनकी पात्रता पर विश्वास करते हुए ये विधि प्रदान की थी। उनकी संत साहित्य में रुचि है, जिनकी संत साहित्य में रुचि है उनके लिए दुर्गाचरण नाग का नाम अपरिचित नहीं। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता था। ग्रस्त होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा कठोर और तपपरायण था। उनके कठोर तपश्चरण के अनेकों कथानक संत साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों एवं दुखी जनों में चिकित्सा सेवा में बीतता था। चिकित्सक होते हुए भी उनके लिए चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं, बल्कि उन्होंने सदा ही उसे सेवा कार्य समझा। अपने इस सेवा कार्य में, जिसे वे नारायण सेवा कहा करते थे, कभी कभी तो घर का सामान और रुपये भी दे जाते थे। दिन भर की सेवा के बावजूद नाग महाशय की प्रायः संपूर्ण रुचि जब ध्यान में बीतती थी। उनकी साधना इतनी उग्र एवं कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती थी। अमावस के दिन उपवास रखकर गंगा के किनारे जप करते करते वो भाव समाधि में लीन हो जाते थे। कभी कभी तो ये समाधि दशा इतनी प्रगाढ़ होती थी कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता था। बाद में उन्हें तैरकर वापस आना पड़ता था। ऐसे महान साधक नाग महाशय के लिए उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस सर्वस्व थे। साधना के उच्च शिखर पर आरूढ़ नाग महाशय की पात्रता पवित्रता और साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें सहस्त्रदल कमल में ध्यान करने की ये विधि सुझाई थी। ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते हुए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपनी ओर से इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ये मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप वही हैं।
इस पर परमहंस देव ने कहा, तब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम इसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए ठाकुर को समाधि लग गई। समाधि की इसी भाव दशा में नाग महाशय के बक्ष स्थल पर पैर रख दिए गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उनके अंतःकरण में सहस्रदल कमल में सदगुरु के ध्यान का स्वरूप प्रकट हुआ, साथ ही उन्हें सहस्र दिव्य ज्योति दर्शन हुई। इस अनुभूति के बाद श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू किया। यहां पर हम इन पंक्तियों के श्रोताओं को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सहस्रदल कमल में ध्यान की यह विधि सर्वसाधारण के लिए उचित नहीं है। जिनके आज्ञा चक्र अनाहत चक्र का ठीक ठीक विकास हो चुका है, उन्हीं के लिए दुर्लभ साधना उचित बताई गई है। सहस्रदल कमल पर गुरु गीता के इन महामंत्रों के अनुरूप ध्यान की परमहंस अवस्था को सिद्धों का ध्यान कहा गया है। यही कारण है कि यहां उसका संपूर्ण रहस्य नहीं बताया जा रहा है। नाग महाशय की उच्च अवस्था देखकर ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें दुर्लभ प्रयोग बताया था। इस ध्यान प्रयोग से नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार रूप में दर्शन किए। मां गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुई। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस ध्यान विधि से परम असंभव भी संभव बन जाता है। हाँ, निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल सदगुरु को है। जिन्हें भी ये विधि गुरुदेव ने बताई है, वे आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर हैं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसी ही सर्वफलदायिनी है। गुरु गीता का प्रत्येक मंत्र गुरु भक्ति का गीत है। ये जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम में सुरबद्ध होता है, तो इसकी मोहकता भुवन मोहिनी होती है। गुरु भक्ति के गीत समर्पण के संगीत से सजकर शिष्य के चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब तक अनेकों शिष्यों को हुई है। इन क्षणों में भी बहुत तेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उनके अंतर जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहां तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज संभव है। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। गुरु समर्पण की भक्ति कथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को सुना कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दवा नलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सदगुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल में अकथ आदि तीन रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिलोक में करना चाहिए। ध्यान की गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को अध्यात्म साधना का चरम फल देने वाली है। जिन्होंने भी इसे किया है, वे सदगुरु के कृपा के श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए हैं। गुरु कृपा की साधना महिमा को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, सकल भुवन सृष्टि ही कल्पिता शेष पुष्टिरा, निखल निगम दृष्टि संपदा व्यर्थ दृष्टि, अवगुण परी मार्दिष्टिस्त्व पदार्थ एकर सृष्टर, भावगुण परमेष्टि मोक्षामर गई कर दृष्टि, स करुण रस वृष्टि स्त्वत्व माला समष्टि, सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टिर, निवसु मई नित्यम श्री गुरोर दिव्य दृष्टि। धन्य भागी है वह शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील है कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि उन पे नित्य निवास करे।
उनका हृदय अपने सदगुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक में आलोकित रहे। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है, इसी से जगत के समस्त पदार्थों की पुष्टि है, समस्त सत्य शास्त्रों का मर्म इसी में समाया है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थताओं का पता चलता है। यही शिष्यों के समस्त अवगुणों को धुलकर परिमार्जित करती है। तत्सत्ता यही है, इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों के रंगमंच की स्थापना का परम कारण यही है, यही आधार स्तंभ है। करुणा रस का वर्णन करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष एवं प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूप माला, जीवन के सभी नियम काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं, ये सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि ही है। सदगुरु कृपा दृष्टि का ये मर्म साधना का गहन रहस्य है, जो केवल योग्य शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इनके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें शिष्यत्व तो प्रगाढ़ है, जो समर्पण की साधना में प्रवीण है, जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया है, वही साधक इस अनुभूति का अधिकारी बनता है। अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती है। कई तो ऐसे हैं जो इस बारे में केवल तर्क वितर्क में ही जूझते रह जाते हैं, लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं, उन्हें अपने आप ही इस तत्व की मिठास का स्वाद मिलता रहता है। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात है। कई सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित हैं। इनमें से एक सत्य घटना ऐसी है जिनमें से गुरु गीता के इन महामंत्रों का मर्म उद्घाटित होता है। यह घटना विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए। इन धन्य भागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं की अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा अध्यात्म लाभ अर्जित किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी, परम तपस्वी एवं विख्यात विद्वान थे। उनके तर्कों की धार, प्रवाहपूर्ण प्रांजल भाषा पंडित मंडली को कुंठित कर देती थी। पंडित समाज में उनका भारी मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज ही सुलभ थी, पर अध्यात्म के यथार्थ तत्व से वे वंचित थे। इस बात की कसक उनमें थी, केवल साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहंग भी था कि वे परम विद्वान एवं सिद्धि संपन्न है। अध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वता के अहंग ने उन्हें द्वंद में डाल रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाए। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज की शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान्य विद्वान थे। उनके तप की प्रभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित थी। अपनी जिज्ञासा को लेकर वे रामानुज के पास पहुंच गए, परंतु उनकी अहंग वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वे आचार्य के पास बैठे, आचार्य की मुंह बोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है, आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दीजिए, ताकि वो मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पास बैठे कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहां रसोईया बन सकते हो।
परम धनवान महाविद्वान प्रचंड तपस्वी सिद्ध संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहंग भाव से भले ग्रस्त हो पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्होंने सद्गुरु की दृष्टि कृपा दृष्टि का मर्म समझ लिया था। बिना क्षण भी देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु आप शिष्य न सही मुझे अपना सेवक होने का गौरव दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक वह अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्ण भोजन कराते रहे, साथ ही उनका मन सदगुरु के ध्यान में रमा रहा। प्रार्थना की इस निरंतरता ने उनके अहंकार को धो डाला, उनकी चेतना उनके सदगुरु से एक हो गई, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की विभूतियां उनमें आबिराजी। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, वत्स अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सदगुरु की अमृत वाणी कृपा दृष्टि को पाकर उनका जीवन कृत कृत्य हो गया। सचमुच ही सदगुरु कृपा ऐसी है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है।